नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं फिल्टर्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी कवर करूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला वर्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रीक्वेंसी। कोई भी साउंड जो हम दुनिया में सुनते हैं उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी का? नंबर ऑफ वेव साइकल्स दैट अकर इन वन सेकेंड। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड विच डिटरमिन्स पिच। हम इस ग्राफ को देखते हैं, ह्यूमन एबिलिटी, हम इंसानों की क्षमता क्या है सुनने की, वो है हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की साउंड ही सुन सकते हैं, इसके नीचे की नहीं, इसके ऊपर की नहीं। आइडियल लेबोरेटरी में वैसे हम इससे नीचे 13 तक जा सकते हैं और ऊपर 28 तक भी जा सकते हैं, 28,000 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हमें हमेशा ये लेके चलना है, एक इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड ही सुन सकता है। और हम जो भी म्यूजिक दुनिया में सुनते हैं, कोई भी गाना, कुछ भी हम सुनते हैं स्पीकर्स में, वो इसके बीच में ही होता है। क्यों? क्योंकि बीच में ही बनाया होता है। हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी डॉ, इसी के बीच काम करता है। अब फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी साउंड की, वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती है, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी मेरे लोअर साइड, मतलब मेरी बेस हो गई, मेरी किक्स वगैरह हो गई। हाई फ्रीक्वेंसी मेरी हायर साइड, जिसकी पिच काफ़ी तीखी होगी, जैसे कोई तार सप्तक पे गाते हुए वोकल्स, कोई तीखी सारंगी काफ़ी ऊंचे सुर वाली, हैट्स हो गई मेरी, क्रैशेस हो गए हाई साइड पे। और मिड फ्रीक्वेंसी जो मेरे गाने की मेन सोल होती है। आपके घर में नॉर्मल स्पीकर्स होंगे, उसके ऊपर दो नॉब्स लगी होती हैं, बेस ट्रेबल। सीधी सी बात है, जो बेस वाली नॉब है वो कंट्रोल करती है मेरी लो फ्रीक्वेंसी को, जो ट्रेबल वाली नॉब है वो कंट्रोल करती है मेरी हाई फ्रीक्वेंसी को। सो बेस इज लो फ्रीक्वेंसी, ट्रेबल इज हाई फ्रीक्वेंसी। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी गाने की फ्रीक्वेंसी, किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड है तीन हिस्सों में, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। सिंपल। अब हम बात करेंगे फिल्टर्स की। बहुत तरह के फिल्टर्स हैं, लेकिन कॉमनली मेनली तीन तरह के फिल्टर हम हमेशा पढ़ेंगे। पहला फिल्टर लो पास फिल्टर, दूसरा हाई पास फिल्टर, तीसरा बैंड पास फिल्टर। तो सबसे पहला फिल्टर जो है वो है मेरा लो पास फिल्टर। अभी जो मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूं, बाद में मैं साउंड के ऊपर भी आऊंगा, तो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो पास फिल्टर की। लो पास फिल्टर का दूसरा नाम है हाई कट फिल्टर। क्यों? क्योंकि मेरी साउंड जब लो से पास हुई, तो जैसे ही वो हाई की तरफ जानी शुरू होती है, तो वहां जाकर वो हाई फ्रीक्वेंसी मेरी कट होनी शुरू हो जाती है। दूसरा जो मेरा फिल्टर है वो है मेरा हाई पास फिल्टर, उसे हम बोलेंगे लो कट फिल्टर भी। किस तरह से? मेरी साउंड जो होगी उसकी हाई फ्रीक्वेंसी पास होगी, उसमें से हाई की साउंड जो होगी फ्रीक्वेंसी की वो आ रही होगी, लेकिन उसमें मेरी लो जो होगी वो कट हो जाएगी, मेरी बेस उसमें से कट हो जाएगी। तीसरी चीज बैंड पास फिल्टर, लो भी नहीं हाई भी नहीं, जो मेरा बीच का बैंड होगा सिर्फ वो वाली साउंड ही आ रही होगी, मेरी लो फ्रीक्वेंसी भी कट हो जाएगी, मेरी हाई फ्रीक्वेंसी भी कट हो जाएगी। अब आप लोग बोल रहे होंगे ये ग्राफिकली क्या इसने बोल दिया, पूरा मैथमेटिक्स है, बिल्कुल समझ नहीं आया। टेंशन मत लीजिए, अगले दो मिनट के अंदर आपको सारी चीज बहुत ही क्लीन समझ आने वाली है। हम आते हैं इस गाने पर, कोई यहां चलाकर देखते हैं। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं मिक्सर में गया, इसे किसी भी नंबर में डालते हैं, चलिए दो नंबर में है। हम आते हैं दो नंबर में, हमने गाने को असाइन कर दिया है। अब हम यहां पर देखते हैं, ये हमें कोई तीन चीजें दी हुई हैं। ये क्या है? ये एग्जैक्टली वही चीज है जो अभी हमने पढ़ी थी, लो मिड हाई, लो मिड हाई। मैं क्या करूंगा, याद रखिए लो फ्रीक्वेंसी बेस है, हाई फ्रीक्वेंसी मेरी तीखी साउंड्स हैं। देश मेरे मेरी जान है तू। अभी हम बात करेंगे मेरे लो पास फिल्टर की, मतलब जो मैंने बताया था लो भी पास, मिड भी पास और हाई मेरा हो जाएगा कट। ध्यान से सुनिएगा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी आन है तू। उसकी जो हाईज की साउंड थी थोड़ी कम हो गई, अगर आप ध्यान से देखेंगे।
देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू, देश मेरे, देश मेरे। जैसे मैंने उसे ऊपर किया तो उसके हैट्स वगैरह जो मैं बोल रहा था हाई फ्रीक्वेंसीज बहुत ही क्लीन सुनने लग गई थी। देखिए, देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू, देश मेरे, देश मेरे। ये है मेरा लो पास फिल्टर, किस तरह से जो मैंने वहां पे ड्राइंग बनाई ही थी, 1 2 3 लो पास और हाई कट, राइट क्लिक, रीसेट। अब हम बात करेंगे मेरे हाई पास फिल्टर की। हाई हो जाए मेरा पास, लो हो जाए मेरा कट। लो क्या है? बेस, किक वगैरह। सुनते हैं। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू, देश मेरे, देश मेरे, मेरी। किक की साउंड ही नहीं रही, किक जो इतनी अच्छी बेस दे रहा था वो बिल्कुल चले गई। देखिए, देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू, देश मेरे, देश मेरे, मेरी आन है तू, देश मेरे। लो कट, हाई की साउंड आ रही है, मिड की साउंड भी आ रही है, लेकिन लोअर साइड पे जो बेस थी, जो किक थी, वो चले गई। अब हम बात करेंगे बैंड पास की। लो भी कट, हाई भी कट, बैंड को ऊपर रखते हैं थोड़ा सा। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेडियो में, किसी लाउड स्पीकर में आवाज चल रही है, क्योंकि उसकी बेस भी चली गई, उसकी हाई की साउंड भी चली गई। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू, देश मेरे, देश मेरे, मेरी। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक चीज है। तीन फ्रीक्वेंसीज में पूरा गाना, पूरी की पूरी कोई भी साउंड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड होती है, लो, मिड और हाई। अब मैं आपको बताऊंगा ऊपर नीचे करके, आप खुद ही इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हाँ, सिर्फ इन तीन साउंड्स के साथ ही इसकी बेस अप डाउन हो जाती है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसीज अप डाउन हो जाती है, जो और मैंने जो मेन बताया था कि गाने की जो मेन सोल है वो मिड फ्रीक्वेंसी में होती है। देखिए किस तरह से मैं इसकी बेस के साथ खेलूंगा, इसकी हाईज के साथ खेलूंगा। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू, देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी रह गई, मिड और हाई कट हो गई एकदम। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू, देश मेरे, देश मेरे, मेरी आन है तू, देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू, देश मेरे, देश मेरे। तो ये है मेरे फिल्टर, बहुत ही आसान चीज थी, फ्रीक्वेंसी तीन हिस्सों में डिवाइडेड, लेकिन ये आगे किस तरह से काम आएगी आप अभी थोड़ा बहुत आइडिया लगा भी सकते हैं कि आगे जाके हम फ्रीक्वेंसीज के साथ खेलेंगे, कि किसी की हैट उठा दी, क्रैश नीचे कर दिया, थोड़ी बेस बढ़ा दी, थोड़ी किक में और पंच ले आए, जब हम इस फिल्टर को और भी ज्यादा बड़ी चीज के साथ यूज करके देखेंगे। तो ये थे फिल्टर, मैंने कोशिश किया कि जितना आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं मैं समझा पाऊं। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं पता लगा है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा 24 घंटे में उसका जवाब देने की। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट। नमस्ते।